हेलो व्यूअर्स, एक्सरसाइज 7.2 को ही कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से क्यूब रूट निकालना सीखा था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ये इसका दूसरा मेथड है। बस दो ही मेथड है आपके पास। दूसरा मेथड एस्टीमेशन मेथड, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन ही मेनली एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और कई बार ही 1 या 2 मार्क का भी क्वेश्चन आ जाता है, तो बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है, ध्यान से समझेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले नंबर ले रहे हैं 1331 का, ठीक है। तो आप 1331 का हम क्यूब रूट निकालेंगे थ्रू एस्टिमेशन मेथड। तो देखना है आपको इसमें क्या करना है। स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट राइट हैंड, ये मेरा राइट हैंड है जिससे मैं लिख रही हूँ, तो आपको राइट हैंड से स्टार्ट करना है और तीन तीन के ग्रुप बनाने हैं। ये तीन का मैंने ग्रुप बना दिया, उसके बाद सिंगल रहता है तो सिंगल ही रहने देना है, ठीक है। आपको क्या करना है, तीन तीन के ग्रुप बनाने हैं। सिंगल बचती है तो सिंगल, तीन होते हैं तो तीन ले लेते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले टेक, हमारा फर्स्ट स्टेप है टेक 331। हमने फर्स्ट ग्रुप ले लिया 331। अब हम इसकी वंस डिजिट लेंगे, वंस प्लेस की डिजिट। हम यहां पर निकालेंगे क्यूब ऑफ 1। एज यू नो 1 का क्यूब इज 1, क्यूब ऑफ 1 इज 1। इसका मतलब जब आप अब इसका क्यूब रूट निकालोगे तो इसके क्यूब रूट की लास्ट डिजिट आपकी 1, तो इसका काम खत्म हो गया। यहाँ पर 331 का काम खत्म हो गया। अभी हम एक दो पार्ट और करेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम लिखेंगे सेकेंड वाला टेक 1। अब हमने नेक्स्ट लिया 1, इस ग्रुप का काम खत्म हो गया। दूसरे ग्रुप में हमारे पास सिंगल एक ही डिजिट है 1। अब आपको ये देखना है 1 किन दो क्यूब्स के बीच में लाई करेगा। सपोज 0 को तो हमें एग्जामिन अज्यूम ही नहीं करना है, 1 से स्टार्ट करना है। 1 का क्यूब इज 1, 2 का क्यूब इज 8। तो ये 1 जो है वो किस क्यूब के बीच में या किस पर लाई करेगा, तो 1 पर ही करेगा क्योंकि 8 तो बड़ा हो जाएगा, तो ये 1 के क्यूब पर। तो योर आंसर इज टेक 1। तो 1 विल लाई बिटवीन 0 क्यूब, तो आपको स्मॉल वाला लेना है, लाई बिटवीन 1 क्यूब एंड 2 क्यूब। सो वी टेक 1, तो हमारा देयरफोर क्यूब रूट आ गया एस्टिमेशन मेथड से। अभी हम एक और पार्ट करेंगे। इसकी वंस प्लेस की डिजिट आई थी 1 और टेंस प्लेस पर भी क्या आ गया 1, तो 11 आ गया। आपको पता है 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगी तो यू विल गेट 1331। एक और देखेंगे, देखो 4913, तीन तीन के ग्रुप बनाए, एक सिंगल है तो सिंगल ही रहने दिया। अब फर्स्ट स्टेप टेक, फर्स्ट ग्रुप लिया 913 लिया हमने, तो 913 की लास्ट डिजिट देखी, तो क्यूब निकाला यहाँ पे, क्यूब ऑफ लास्ट डिजिट। 3 का क्यूब क्या आएगा, 3 × 3 × 3, दैट इज 27। अब इसकी भी जो लास्ट डिजिट है वो आपके क्यूब रूट का आंसर है, यानी कि आपको अपने क्यूब रूट की एक लास्ट डिजिट मिल चुकी है, ठीक है। अब आपका इस ग्रुप का काम खत्म हो गया। नाउ वी विल टेक 4। सेकेंड ग्रुप लिया अब हमने 4। अब 4 देखना है किन दो क्यूब के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो अब आप यहां पर देखोगे 1 का क्यूब इज 1, 2 का क्यूब इज 8, तो 4 इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। 8 तो बड़ा हो जाएगा, तो आपको छोटे वाला नंबर लेना है। किसका क्यूब, 1, ये आ गया 1, तो 4 विल लाई बिटवीन क्यूब ऑफ 1 एंड 2, तो 1 एंड 2, तो योर आंसर विल बी देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 4913 विल बी, पहला 1 आ गया और आपने देखा वंस प्लेस की डिजिट थी 17। तो 17 को अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 4913। अभी हम एक और करेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 1 2 1 6 7, तीन तीन के ग्रुप बनाएंगे पीछे से राइट से, तीन ग्रुप, तीन का 2 बच गए तो 2 का। तो अब हमने सबसे पहले लिया टेक 1 6 7, 1 6 7 ले रहे हैं। अब आपको क्या करना है, 7 का क्यूब निकालना है, क्यूब ऑफ 7 लास्ट डिजिट के लिए, 7 × 7 × 7, 7 7 जा 49, 49 7 जा 9 7 जा 63, 7 4 जा 28 प्लस 6 34, तो 343 आ गया। इसका मतलब आपके क्यूब की लास्ट डिजिट तो आपको मिल गई 3, ठीक है, आपके क्यूब रूट की लास्ट डिजिट मिल गई 3। तो इस ग्रुप का काम खत्म हो गया। नाउ वी विल टेक 12। अब आपको देखना है 12 किन दो क्यूब रूट के बीच में लाई करेगा, किन दो क्यूब्स के बीच में लाई करेगा। तो अगर आपने देखा 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8,
3 का क्यूब 27, तो इन दोनों के बीच में लाई करेगा बिटवीन 8 एंड 27, तो 12 विल लाई बिटवीन 2 क्यूब एंड 3 क्यूब. तो हमें छोटा वाला नंबर लेना है, छोटा नंबर इज 2, सो वी टेक स्मॉल दैट इज 2 क्यूब, 2 ले लिया तो देयरफोर क्यूब रूट ऑफ 12167, इसकी लास्ट डिजिट थी 3 और ये वाली आ गई 2, तो ये 23 का क्यूब रूट होगा, 23 का क्यूब होगा या इसका क्यूब रूट 23 होगा. नेक्स्ट लेंगे लास्ट एक और है, देखो इंटरेस्टिंग है ना, 32768, अगेन वी आर मेकिंग ग्रुप ऑफ 3. अब आपने सबसे पहले हमने लास्ट वाला ग्रुप लिया, टेक 768, तो इसकी लास्ट डिजिट की क्यूब निकाल लो, क्यूब ऑफ 8, क्यूब रूट ने 8 का क्यूब, 8 को 3 बार मल्टीप्लाई, 8 जा 64, 64 को 8 से करेंगे तो 84 जा 32, 86 जा 48 प्लस 3 51, तो 512 आ गया. इसका मतलब अब आपके इसके क्यूब रूट की लास्ट डिजिट 2 होगी. तो फर्स्ट ग्रुप का काम खत्म हो गया, नाउ वी विल टेक 32. अब हम लेंगे 32, तो 32 में अब आपको देखना है कि 32 किन दो क्यूब्स के बीच में लाई करेगा, तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो आपने देखा 32 किसके बीच में लाई करेगा, इन दोनों के बीच में, तो 32 विल लाई बिटवीन 3 क्यूब एंड 4 क्यूब. देयरफोर हम छोटा वाला नंबर लेंगे, हम लेंगे 3, और पहले हमें एक डिजिट हमारी आ चुकी है 2, देयरफोर क्यूब रूट ऑफ 32768 इक्वल टू, लास्ट डिजिट 2 थी और आगे वाली 32 को जब आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 32768. और अगर आप चेक करना चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो अपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कि ये करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है. दिस वॉज योर एस्टिमेशन मेथड.